हेलो एंड वेलकम गाइस। और आज की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आप नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट हो, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्ट्री ऑफ द साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया में एवोल्यूशन होता है ना सोसाइटी का, संगम एज जिसे बहुत ही फेमस माना जाता है, विच इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इन सारी चीज़ों के बीच में जानने की कोशिश करेंगे चेरास, चोलास, पांड्यास के बारे में। उसके साथ में जो लिटरेरी हमें कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलते हैं, किस तरीके से हम देखते हैं कि क्या जो बुद्धिज्म है या जैनिज्म है उसका कितना असर पड़ता है यहाँ पे, अशोक के पीरियड से क्या रिलेशन है, और कब वहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो और बेहतर तरीके से स्टार्ट हुई थी, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ये तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री क्लास 11 लेसन 5 द न्यू बुक विच हैज़ बीन लॉन्च्ड, उससे ये लिया गया है, ठीक है। और ये पूरी समेरी आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम में, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईएएस यूपीएससी सिविल सर्विसेज की हो या फिर स्टेट सिविल सर्विसेज की हो, वेदर यू आर फ्रॉम तमिलनाडु और यू आर फ्रॉम बिहार, वेदर यू आर फ्रॉम केरला और यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र, या फिर आप उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश से हैं, ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा ध्यान से इसे कोशिश करिए समझने की और स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी है कि ये जब हम बात करते हैं तो किस एरिया की बात करें, जो डेक्कन रीजन हम कहते हैं ना, दक्कन, दक्कन का जो क्षेत्र है वो मेनली अगर प्रेजेंट डे आप देखोगे तो तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका और महाराष्ट्र, ठीक है। ये जो एरिया है ना, यहीं पर हम डेक्कन रीजन की बातें करते हैं। और यहीं पर सातवाहनों ने क्या किया था, एक पावरफुल किंगडम स्टैब्लिश किया था। वहीं पे अगर साउथ की बात करें, थोड़ी सी साउथ की हम बात करते हैं, तो तीन फैमिली थी, बहुत फेमस तीन फैमिलीज हैं, एक चेरा, दूसरा चोला और तीसरा है पांड्यास, ठीक है। ये तीनों की तीनों कंटेम्परेरीज थी, कंटेम्परेरीज मतलब समकालीन थी, समकालीन मतलब एक साथ एक समय पे होना, उसे समकालीन कहते हैं। और ये रूल करती थी ऑन द फर्टाइल पार्ट्स ऑफ तमिजगम, ये याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है कि पूछा जाए आपसे, ठीक है। तमिल रूलर्स जो थे गाइस, उन्होंने स्टार्ट किया था 2 सेंचुरी, मतलब 200 साल पहले, ठीक है, क्योंकि अशोका के इंस्क्रिप्शंस में भी इनके बारे में बताया गया है। तो लगभग लगभग हम टाइम पीरियड पकड़ते हैं 3rd सेंचुरी BC का, 3rd सेंचुरी BC का हम एक टाइम पीरियड पकड़ के चल रहे हैं। और बहुत सारी कॉमन थिंग्स जो हैं वो हमें दिखाई देंगी डेक्कन की सोसाइटी में और तमिल रीजन्स की सोसाइटी में, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ के देखें तो सबसे पहली चीज़ है कि सर और मैम हमें पता कैसे चलता है, किस तरीके से हम जानते हैं। तो जब आपने इतिहास की पढ़ाई स्टार्ट की होगी और जब आपको बोला गया था कि हमारे जो आयरन एज चल रहा था या फिर वैदिक पीरियड चल रहा था या इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रहा था, उसमें जो चीज़ें कैसे हमें पता चला कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा अन्नागार था या वहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ था जहाँ स्नानागार था, ये सारी चीज़ें हमें मिली एक्सकावेशन से, ये सारी चीज़ें हमें मिली आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ मेगालिथिक बर्बेरियल साइट्स वगैरह मिले हैं जहाँ पे जब एक्सकावेट किया गया तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो वो सामने ये निकल के आए हैं। जैसे कि कुछ साइट्स आप याद रखिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अरिका मेडू से, कोडुमनल से, अलंगुलम से, उरैयुर से, ठीक है। फिर जो बुद्धिस्ट साइट्स वगैरह हैं, जो बुद्धिस्ट स्तूपाज हैं, जो बुद्धिस्ट चैत्यास वगैरह हैं, वो जो आंध्रा में कर्नाटका रीजन में, जैसे कि अमरावती वेरी फेमस, नागार्जुन कोंडा ये वेरी फेमस, ठीक है। तो वहाँ से भी हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं इतिहास के। उसके बाद में नेक्स्ट साक्ष्य जो हम कहते हैं वो होता है नुमिस्मेटिक। नुमिस्मेटिक आप समझ रहे हैं कॉइन्स से रिलेटेड है। तो कॉइन्स जो प्री सातवाहन पीरियड के हैं, ठीक है, उनसे भी हमें थोड़ा सा उसके बारे में पता चलता है। जो कॉइन्स इश्यू किए गए थे चेराज के द्वारा, चोलास के द्वारा, पांड्यास के द्वारा, बाकी जो चिफ्टेंस थे संगम एज के उनके द्वारा, जो रोमन कॉपर सिल्वर गोल्ड कॉइन्स है, इन सारी चीज़ों से भी हमें पता चलता है, क्या हमें कहीं ना कहीं एक जानकारी मिलती है कि उस समय के इतिहास के बारे में। ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
यहाँ पे दो तीन लाइनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखिएगा, अशोका की जो इंस्क्रिप्शन है, अशोका ने जो खुदवाया था, बहुत सारी जगह आपको पता है कि आज जैसे सोशल मीडिया हो गया, आज टेलीविज़न हो गया, तो मान लीजिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्हें मन की बात करनी रहती है तो वो क्या कहते हैं, वो आ जाते हैं रेडियो से लेके हर जगह उनकी मन की बात जो है वो आने लगती है। लेकिन उस समय जो राजा महाराजा थे, अब उनको मन की बात करनी है तो वो क्या करेंगे, तो वो क्या करते थे कि आप जो भी अपना उनका सरमंस होता, जो भी प्रीचिंग्स होता था, जो भी चीज़ें उनको कहनी होती थी, वो बहुत सारी जगह पे क्या करते थे, खुदवा देते थे। ठीक है, तो वो इंस्क्रिप्शन जो हैं वो मिले हैं प्राकृत में, आंध्रा कर्नाटका रीजन में, तो वो बताते, वो थोड़ी सी जानकारियां देते हैं उसके बारे में। उसके बाद तमिल ब्राह्मी जो इंस्क्रिप्शन है वो मिली हैं गुफाओं में। कहाँ की गुफाओं में? तमिलनाडु की गुफाओं में, केरला में मिली हैं, जैसे मंगुलम में, जम्बई में, पगुलर में। ठीक है, सातवाहन के जो इंस्क्रिप्शन है वो भी इनके बारे में बताते हैं। और एक जो चीज मैं बोल रहा था, हो सकता है एग्जाम के परस्पेक्टिव में आपसे पूछा जाए, शॉर्ट इंस्क्रिप्शन मिले हैं पॉटरी और रिंग्स में भी। पॉटरी और रिंग्स, पॉटरी तो आप समझ रहे हैं कि जो मटका वटका बनाया जाता है, रिंग्स मतलब अंगूठियों में। हो सकता है कि पूछा जाए, अब आप सोचोगे कि सर इंस्क्रिप्शंस अंगूठियों में क्यों रहेंगे, रहेंगे, ऐसा साक्ष्य मिले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ साइट्स जो हैं आउटसाइड इंडिया भी मिले हैं, दो इनमें याद रखिएगा नाम, एक है बेरेनिके और दूसरा है क्वेजर अल कदीम, ये इजिप्ट में मिला है। ठीक है, तो ये दो साइट्स भी याद रखिएगा, हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाए या आपसे जानकारी लेने के लिए पूछा जाए, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड इवनिंग श्रद्धा तिवारी जी, सत्यम, सागर राघव जी, वैष्णवी ओझा जी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से लिटरेरी सोर्सेस को देखते हैं, थोड़े साहित्यिक सोर्सेस को देखते हैं, साहित्य से रिलेटेड क्या था। तमिल टेक्स्ट ऑब्वियस सी बात है, संगम लिटरेचर से जो रिलेटेड है वो, और पोस्ट संगम लिटरेचर से रिलेटेड जो है वो हमें इसकी जानकारी देती है। अर्थशास्त्र, कल हम बात कर रहे थे चाणक्य के बारे में, कौटिल्य के बारे में, विष्णुगुप्त के बारे में, उनका जो अर्थशास्त्र है वो भी इकोनॉमी और स्टेट क्राफ्ट के बारे में बताता है। कल हम लोगों ने एक और राजा के बारे में, अगर आप लोगों ने कल की हमारी क्लास की थी तो बताइए जल्दी से कि पुराण जो हैं, पुराणों में कल हमने किस राजा की बात की थी, कि इन राजा का नाम भी पुराणों में मिलता है, पुराणों में मेंशंस है जीनियोलॉजी किसकी, आंध्रा के जो सातवाहन से है ना, सातवाहनों के बारे में पुराणों में बताया गया है। उसके साथ में बौद्ध क्रॉनिकल, एक आप पूछ सकते हैं कि साहित्यिक पुस्तक है, महावंश, महावंश में भी बताया गया है इनके बारे में। और गाथा सप्तशती, प्राकृत टेक्स्ट जिसको कंपोज किया गया है सातवाहन किंग हल के द्वारा, ठीक है, तो वहां पे भी हमें इसके बारे में पता चलता है। तो ये याद, ये सब आपकी एग्जाम के परस्पेक्टिव से, प्रीलिम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं आपसे, तो इसका ध्यान जरूर रखना है आप लोगों को। ठीक है, और कल जब मैं बता रहा था कि पुराणों में किसके बारे में बोला, तो नंद वंश के जो स्थापक थे, ठीक है, महापद्म नंद, उनके बारे में पुराणों में भी हमें मिलता है, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे आपको देखनी है गाइस वो क्या है, क्लासिकल संगम कॉर्पस जो है, इसमें थोलका पीएम जो है ना, ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोलका पीएम जो है ना, एक आप बोल सकते कि महाग्रंथ है, 8 एंथोलॉजीज हैं उसकी, जिसको बोला जाता है एतुथोगाई, और 10 आइडल्स भी हैं जिसको बोला जाता है पाथु पट्टू। ठीक है, तो थोलका पीएम वन ऑफ द अर्लिएस्ट तमिल ग्रामेटिकल टेक्स्ट है, लेकिन सिर्फ वो ग्रामेटिकल टेक्स्ट नहीं है, ठीक है, ओनली सिर्फ, या फिर सिर्फ पोइट्री की बातें नहीं करता है, वो समाज के बारे में बात कर रहा है, वो कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में बात कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोलका पीएम के बारे में याद रखिएगा, मे बी उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे बने और पूछे जाएं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ इंडिया जो है वो ड्यूरिंग मौर्यन टाइम्स, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अशोकन एडिक्स जो हमें मिलते हैं 270 से 30 BC के टाइम पीरियड में, वहां पे हमें मिलता है पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं साउदर्न इंडिया में, ठीक है, दक्षिण भारत में क्या पॉलिटिकल कंडीशंस चल रही हैं। रॉक एडिक्स जो 2 है उसमें अगर हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि वहां पे चोलास, पांड्यास, केरला पुत्र, सातिया पुत्र जो हैं, ठीक है, ये नेवर्स वगैरह हैं, इनके बारे में बताया गया है। और ये भी बताया गया है कि ये मेडिकल ट्रीटमेंट जो है, दो टाइप के मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ह्यूमंस की भी मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं और साथ साथ में एनिमल्स की भी मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मौर्यन एम्पायर उस समय जो था ना, वो नॉर्दर्न पार्ट जो कर्नाटका और आंध्रा का है वो भी मौर्यन एम्पायर के अंतर्गत ही आता था।
बाकी जो तमिल के किंगडम्स हैं इनके साथ में मौर्यन एम्पायर का कैसा रिलेशन था? अच्छा रिलेशन था, इंडिपेंडेंट नेवर्स माने गए, ऐसा बताया गया है कि इनको स्वतंत्र रखा गया था। लेकिन जैसे ही मौर्यन पावर का डिक्लाइन होता है, पतन होता है, और सातवाहन के राइज से पहले बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे, प्रिंसिपैलिटीज इमर्ज कर जाएंगे। जैसा हम लोगों ने देखा था नॉर्दर्न साइड में, किसके बारे में, महाजनपदों के बारे में, और फिर महाजनपदों को कंबाइन करते करते चार बेसिक निकल के आते हैं, और उन चार बेसिक से निकलते हुए एक सुप्रीम महाजनपद निकल के आता है जो पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में जोड़ने की कोशिश करता है। और हम बात करें किसकी, मगध की और मौर्य वंश की, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बीच में जो नेक्स्ट चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, सात वाहनों के बारे में। और सात वाहनों की जब आप बात करिएगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो कि हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, और वो कौन है, वो है गौतमी पुत्र सताकर्णी। गौतमी पुत्र सताकर्णी ही इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सातवाहन, अगर राजा कोई था तो वो यही थे, ठीक है। इन्होंने डिफीट किया था साका रूलर नहापन को, ठीक है, और उसके बाद में उन्हीं की कॉइन्स को इन्होंने री इशू किया था अपने ओन रॉयल इंसिग्निया से, ठीक है। तो नहापन का नाम भी याद रखेगा, साका रूलर थे। उसके बाद में एक इंस्क्रिप्शन मिलती है इनकी माँ की, गौतमी की, ठीक है, कहाँ पे मिलती है, नासिक में, ठीक है। इंस्क्रिप्शन ऑफ हिज मदर गौतमी बालासारी कहाँ पे मिलता है, नासिक में, जहाँ पे बताया गया है कि इन्होंने कॉन्कर किया है साकास को, पल्लवास को और यवन को, ठीक है। तो साकाओं को भी हराया है, पल्लवों को भी हराया है, यवनों को भी हराया है। तो ये याद रखिएगा, ये इंस्क्रिप्शन नासिक में मिल रही है इनकी मदर गौतमी बालासारी का, ठीक है। और एक और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो आते हैं वशिष्ठ पुत्र पुलामयी। पुलामयी जो हैं, जिनकी आप यहाँ पे पिक भी देख पा रहे हो, ये सक्सेसर हैं, ठीक है, किसके, गौतमी पुत्र सताकर्णी के। इनके बारे में अगर आपको कुछ याद करके रखना है तो ये याद रखेगा कि इन्होंने कॉइन इशू किया था। तो कॉइन जो इनके बारे द्वारा इशू किए गए थे वो बहुत पार्ट में साउथ इंडिया में अब मिलते हैं हमें, वो फाउंड होते हैं बहुत सारे पार्ट में साउथ इंडिया में। तो ये एक चीज इनके बारे में आप याद करके रख सकते हो। उसके बाद में आते हैं यज्ञश्री सताकर्णी। यज्ञश्री सताकर्णी अब इनके बाद में वो थर्ड नंबर पे आ रहे हैं। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कॉइन इशू किया था सिप मोटिव जो होते हैं उनसे रिलेटेड, और साथ साथ में इंपॉर्टेंस वो बताता है क्या चीज का, जब सिप मोटिव आप यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ओवरसीज ट्रेड वगैरह जो है उसको ये थोड़ा सा अच्छा बेहतर करके दिखाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने किंग हला के बारे में पढ़ा कि उन्होंने गाथा सप्तशती जो है वो लिखा था, ठीक है, ये गाथा सप्तशती है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंसेस आ गया, इसको देख लीजिएगा। ये कलेक्शन है 700 लव पोएम्स का, ठीक है, इसको लिखा गया था महाराष्ट्री प्राकृत डायलेक्ट में, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, तो इसको याद रखिएगा। इसके साथ में एक और बात, अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया गया था किसके द्वारा, अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया गया था गौतमी पुत्र सताकर्णी के द्वारा। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है गाइज, इट्स वेरी सिंपल। आप क्या करते हो, आप यज्ञ आयोजन करते हो और आप एक अश्व को, एक घोड़े को छोड़ देते हो दो चार सैनिकों के साथ में, और वो दूसरे राज्यों से गुजरता है। जिस जिस पार्ट से वो गुजरता है, अगर उस पार्ट पे उसको कोई नहीं रोकता है तो माना जाता है कि वहाँ के जो राजा वगैरह हैं, जो भी रूलर्स वगैरह हैं, वो उसके आधिपत्य को स्वीकार कर रहे हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि घोड़ा चला जाए, हम नहीं रोकेंगे, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर कोई भी उस घोड़े को रोक देता है, उस अश्व को रोक देता है, तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में उस राजा से, जिस राजा ने घोड़े को छोड़ा है, उनके बीच में लड़ाई होगी, जो जीतेगा उसके बाद में निर्णय उसी हिसाब से लिया जाएगा। तो ये होता था अश्वमेध सेक्रीफाइस, ठीक है। अच्छा, ये जो सातवाहन एम्पायर है, सातवाहन का आप ये जो बीच में आपको येलो या ब्राउन आप जो भी बोले, ऑरेंज एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सातवाहनों से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है कि कभी आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है। इम्पॉर्टेंस जो है सातवाहनास के, अगर आप देखोगे गाइस तो वो क्या है इम्पॉर्टेंस, अगर देखो तो ये क्या करते थे, इनके समय से लैंड ग्रांट्स जो है, लैंड ग्रांट्स मतलब समझ रहे हो, भूमिदान, भूमिदान जो है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब भूमिदान कर रहे हैं किसको, ये कर रहे हैं बौद्धों को और ब्राह्मणों को, किसको कर रहे हैं, बौद्धों को कर रहे हैं भूमिदान और ब्राह्मणों को भूमिदान कर रहे हैं।
इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो बताया गया, हम लोगों ने अपने लाइव चैट में भी रखा था इस क्वेश्चन को, नाने घाट इंस्क्रिप्शन। नाने घाट इंस्क्रिप्शन में क्या बोला गया है, नाने घाट इंस्क्रिप्शन में बोला गया है कि इन्होंने टैक्स एग्जेम्पशन दिया था, मतलब टैक्स कर माफी दी थी, टैक्स एग्जेम्पशन दिया था किसको, बौद्ध भिक्षुओं को, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को दिया था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि ये बौद्ध ही बिगनिंग में प्रिस्टली ग्रुप्स जो हैं, जो ये पंडित वगैरह हैं, जो ये पुजारी वगैरह हैं, इनको हायर स्टेटस मिल गया बहुत ही स्टार्टिंग में। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें जो है ना, ये आपको इतिहास को समझने में और आसान बनाएंगी। अब जब आपने ये किया है कि आपने कुछ लोगों को डोनेशन दे दिया लैंड को, तो अब वो उसको कल्टीवेट तो नहीं करने वाले, वो किसान तो नहीं है वहाँ पे, लेकिन उनका मालिकाना हक हो गया, वो किसान नहीं है लेकिन मालिकाना हक हो जाता है। अब इसके कारण से आप देखोगे भविष्य में बहुत सारे डिविजन्स आएंगे सोसाइटी में। अभी तक समाज में कोई डिविज़न नहीं था, लेकिन आने वाले समय में डिविज़न होगा। क्यों? क्योंकि ज़मीन जिसका है वो खुद किसानी नहीं कर रहा है और उसके यहाँ कोई तो किसानी करने आएगा ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक जो वर्णा सिस्टम है, जो नॉर्थ इंडिया में जो वर्णा सिस्टम है, जो आश्रम सिस्टम है, वो सारी चीज़ें अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि ट्रेड रूट्स वगैरह जो है ना यहाँ पे, वो बताते हैं कि जो बुद्धा संघ थे, ठीक है, वो उसमें थोड़ा अच्छा फुलफिल हो रहे थे, उनको थोड़ा सा ज़्यादा सहायता मिल रही थी राजघरानों से जो बौद्ध थे। लेकिन जितना पीछे चले जाओगे, पीछे आप जितना जाते जाओगे, आप देखोगे कि जैन धर्म वालों का बहुत ज़्यादा आपको वहाँ पे तादाद मिलेगा। उसका एक रीज़न भी है, जैन धर्म जो है बौद्ध धर्म से पहले आता है, और दूसरा एक और रीज़न ये है कि साउथ इंडिया में जैन धर्म जो है एक तादाद के साथ में बढ़ा था, तो वो भी एक रीज़न इसका बनता है। ये नाने घाट इंस्क्रिप्शन जिसकी हम लोग बातें कर रहे थे, गाइज वेरी गुड इवनिंग भावना जी, तो नाने घाट इंस्क्रिप्शन यहाँ पे है, इसको हमने ऑलरेडी आपको बताया, नाने घाट इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, तो प्लीज़ रिवाइज कर लीजिएगा नाने घाट इंस्क्रिप्शन के बारे में। लास्ट थ्री सेंचुरीज बिफोर द कॉमन एरा अगर आप देखोगे, तो हम लोगों को संगम पीरियड के समय में ये मिलता है कि कहीं ना कहीं थ्री क्राउंड किंग्स थे यहाँ पे। अब ये थ्री क्राउंड किंग्स कौन है, चेरा, चोला और पांड्या। थ्री क्राउंड किंग्स कौन है, चेरा, चोला और पांड्या। ठीक है, तो चेरा, चोला, पांड्या के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ें क्या हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, चोला जो हैं इन्होंने कंट्रोल किया था सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट जो है वो। अब इनका जो एरिया था वो कौन सा एरिया था, जो कावेरी डेल्टा वाला एरिया या फिर चोरा मंडलम जिसे हम कहते हैं वो। कैपिटल थी आज का जो तिरुचुपल्ली टाउन है वो, या फिर उस समय उरायूर, उरायूर बोलते थे उस समय। ठीक है, और इसके साथ में कावेरी पट्टनम जो है वो भी रॉयल रेसिडेंस था, चीफ पोर्ट टाउन माना जा सकता है। चोलास का एम्बलम था टाइगर, ये याद रखिएगा, हो सकता है कि पूछा जाए एग्जाम में आपसे, या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए और दो तीन इसी तरीके स्टेटमेंट दे दिए जाएं। तो चोला जो है उनका एम्बलम क्या था, टाइगर था। ठीक है, और इसके साथ साथ में कावेरी पट्टनम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मर्चेंट्स वगैरह आते थे। ठीक है, पोर्ट सिटी थी, इसके कारण से इंडियन ओशन से बहुत सारा मर्चेंट्स वगैरह भी अट्रैक्ट करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी तो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में कराईकलन जो है, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन इनका दिया हुआ है, कराईकलन जो है इनको माना गया है ग्रेटेस्ट चोला संगम एज का। ठीक है, इनका बहुत सारा जो भी चीज़ें हैं, अगर ये पिक देखें आप, पिक में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, फिर पिक से देखने की कोशिश करिएगा, पिक को ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे कि पहला चीज़ ये कहते हैं कि इन्होंने मिलिट्री अचीवमेंट्स किए थे, जहाँ पे इन्होंने चेरा और पांड्या को हराया। ठीक है, तो करिकलन ने क्या किया है, चेरा और पांड्या को हराया है, और इसके साथ में इन्होंने सपोर्ट किया था 11 वैलिड चिफ्टेंस को। ठीक है, तो सरदार जो होते थे वैनी में, उनको इन्होंने सपोर्ट किया था। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको क्रेडिट किया जाता है कि इन्होंने कन्वर्ट किया था फॉरेस्ट को, जंगलों को इन्होंने कन्वर्ट किया था हैबिटेबल रीजन्स में, मतलब जंगलों को काट कर बसने लायक बनाया था इन्होंने। ठीक है, पहली चीज। दूसरी,
डेवलप किया था एग्रीकल्चर को, अब आपने बसने लायक बनाया, तो उससे क्या होगा, उसके कहीं ना कहीं आप कृषि को भी बढ़ावा दोगे। और उसके साथ में इन्होंने क्या किया था, इरिगेशन के लिए, आप जंगलों को तो साफ कर देते हो लेकिन आपको सिंचाई के लिए भी तो व्यवस्था करनी होगी, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एम्बैकमेंट्स बनाए थे कावेरी के आसपास में और रिजर्वेयर्स को बिल्ड किया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर अब आपको मैं ये पिक दिखाऊं तो तीन चीजें इनकी याद रखेगा, इस पिक से शायद आपको समझ में आ जाए तीन चीजें। पहली चीज जो है वो याद रखिएगा कि इन्होंने जंगलों को काट कर उसको रिहायशी इलाका बनाया और रिहायशी इलाके के साथ वहां पे कृषि भी स्टार्ट करवाई। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये फोटो इसको देख के लग रहा है कि जंगलों को काटा जा रहा है। दूसरा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कावेरी से सिंचाई के लिए पानी का भी उपयोग करवाया था। ठीक है, उसके लिए भी कंस्ट्रक्शन वगैरह कराए थे, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो करिकलन इज वेरी फेमस, ठीक है, याद रखिएगा इनके बारे में, ग्रेटेस्ट चोला एंड ऑल्सो क्रेडिटेड कि इन्होंने चेराज और पांड्यास को डिफीट किया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट संगम। ए सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड व्हाट इज दैट, इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ सी बी एस ई और यू आर ए स्टूडेंट ऑफ नॉर्थ इंडिया, यू माइट नॉट हैव रेड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो वेन यू विल बी रीडिंग दिस विल लुक वेरी एलियन टू यू, इट विल लुक वेरी स्ट्रेंज टू यू, इट विल बी लाइक यू नो यू आर रीडिंग द हिस्ट्री ऑफ सम डिफरेंट नेशन और डिफरेंट कंट्री, बट दैट्स नॉट टू बी। एंड वेन वी आर स्टडिंग फॉर सिविल सर्विसेज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योर फोकस ऑन कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री। ओके, सो संगम हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट वंस यू वॉन्ट बी एबल टू रिमेंबर ऑल द नेम्स वट एवर आर गिवेन ओवर यर्स। वट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज वन और टू नेम्स लाइक करिकलन। करिकलन नाउ यू विल रिमेंबर विद दिस पिक्चर ऑल्सो, एंड करिकलन वॉज अ ग्रेटेस्ट चोला रूलर, यू रिमेंबर दिस few things when you read for the first time you'll remember few things, you read for the second time you'll remember few more things, you read for the third fourth fifth times you'll remember all the things। तो हमेशा याद रखिएगा, रिवीजन जितना आप करिएगा, रिवीजन करते जाइएगा, चीज़ें और बेहतर तरीके से याद होंगी। बहुत सारे नाम यहाँ पे हो सकता है कि आपको थोड़े से एलियन लगे, थोड़े से आपको समझने में दिक्कत होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ना नहीं, लीव नहीं करना है। ठीक है, छोड़ना नहीं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया चोलास के बारे में, अब चेरास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चेरा कहाँ पे है, चेरा सेंट्रल एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ केरला में है। ठीक है, और उसके साथ में अगर उनके बारे में कुछ और चीज़ें आप देखोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि ये तमिलनाडु वाले एरिया में थे कि या केरला वाले एरिया में थे। आज जो है बहुत सारे हिस्टोरियंस जो हैं वो कंफर्म करते हैं कि ये प्रेजेंट डे तमिलनाडु वाला जो एरिया था वहीं पर ये थे। ठीक है, इसके साथ में एक इंस्क्रिप्शंस है पगलोर में, पगलोर नियर कारूर। ठीक है, वो मेंशन करती है किसके बारे में, चेरा किंग के बारे में, जिनकी 3 generations वगैरह हैं। ठीक है, उनके नाम से कॉइन वगैरह भी इश्यू हुई हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और इन्होंने क्या किया था कि देखिए, चोलास की बात करो या चेरास की बात करो या पांड्यास की बात करो, ये तीनों के तीनों समकालीन हैं, तो ये क्या करते रहेंगे, एक दूसरे से वार भी होते रहेगा, एक दूसरे को डिफीट भी करते रहेंगे और अपना जो साम्राज्य है उसको एक हिसाब से बढ़ाते और घटाते भी रहेंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चेरा के आप देख सकते हैं यहाँ पे चैन गुट्टू वन को विथ इलांगो अडिगल। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, चेरा किंग हैं ये, चेरा राजा हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट संगम से ही रिलेटेड पांड्या के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पांड्या का जो एम्बलेम था वो था फिश। अब इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। चोला का क्या था पहले मुझे ये बता दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया चोला का एम्बलेम क्या था। चोला का जो एम्बलेम था गाइस वो था टाइगर। इसको याद करने का एक वियर्ड तरीका मैं बताता हूँ, वियर्ड तरीके से हमेशा याद रहेगा। छोला जो होता है वो किस कलर का होता है, जो छोला बनता है जनरली, छोला जो बनाया जाता है वो याद रखेगा येल्लो कलर का होता है। ठीक है, तो छोला जो होता है वो येल्लो कलर का होता है, और टाइगर जो होता है जानवर टाइगर वो येल्लो कलर का होता है, उस एक तरीके से। अब एक वियर्ड तरीका, पता नहीं आपको याद होगा या नहीं होगा, लेकिन काम करता है, काम करता है, वियर्ड चीज़ें ही याद रहती हैं। दूसरा एम्बलेम पांड्यास का है फिश, तो याद करिए पांडव जब द्रौपदी
स्वयंवर में गए थे तो वहां पे अर्जुन को किस पे तीर लगाना पड़ा था? अर्जुन को तीर लगाना था मछली की आंख पे। किसकी आंख पे? मछली, फिश की आंख पे। तो फिश इज द एम्बलेम ऑफ पांड्याज, ये याद रखिएगा। हो सकता है कि आपको इससे याद करने का एक तरीका समझ में आए, ठीक है। इसके साथ में एक और चीज याद रखिएगा, इनकी जो कॉइन्स होती थी ना उसमें एक साइड में एलिफेंट होता था, इनकी कॉइन्स की एक साइड में हाथी होता था और दूसरी साइड में क्या होता था, फिश होती थी, मछली होती थी। तो ये भी हो सकता है, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें हो सकती हैं, याद करना आपको जरूरी भी है तो इसलिए मैं बता दे रहा हूं, बाकी आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरीके से याद करते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि पूरा का पूरा कोर्स, ये पूरा का पूरा जो ऑसम पीडीएफ है जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये वीडियो लेक्चर जो है वो हमारे उपनिषद ऐप पे अवेलेबल है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से हमारे उपनिषद ऐप पे डायरेक्ट जा सकते हो और वहां से इस पीडीएफ को और इस वीडियो लेक्चर को आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ गाइस, ये जो पीडीएफ हम क्रिएट करते हैं आपके लिए, अगर आपने अभी तक पीडीएफ को बहुत अच्छे से देखा होगा तो आपने जरूर ध्यान दिया होगा, पीडीएफ में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो वो तो हम रखते हैं, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स को भी रखा जाता है जिससे आपको थोड़ा सा डल फील ना हो प्रिपरेशन करते हुए, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पिक्चर के माध्यम से ही मिल जाए। हमारी स्लाइड्स जो हैं, जो हम पीडीएफ आपके लिए प्रिपेयर करते हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट पीडीएफ है। आप इसे चेकआउट कर सकते हो, किसी भी बड़े से बड़े एडटेक चैनल से आप कंपेयर कर लीजिए या किसी भी चैनल से आप कंपेयर कर लीजिए, उसके बाद आप ज़रूर हमें बताइएगा कि हमारी पीडीएफ जो है, हमारी पीपीटीज जो हैं वो आपको कैसी लगी, ठीक है। और इसके साथ में लिंक में टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में डाला गया है लिंक, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। अगर आपको कोई प्रश्न है आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड तो उसके लिए भी आप हमसे बातें कर सकते हो। हमारा एक कोर्स विच इज़ वेरी पॉपुलर, 1000 टॉपिक्स एंड 1000 एमसीक्यूज इन 21 डेज, अब बहुत कम समय बचा हुआ है, आप उसे आज ही फॉलो कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, वो ऑलरेडी ऑन फ्लोर है, ठीक है। तो अगर आप इस बार एग्ज़ाम देने वाले हो या फिर यूपीपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर बीपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आरपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2021 दे रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा इस बार प्रीलिम्स का क्वालिफाइंग मार्क्स कितना था, 2020 का प्रीलिम्स का जनरल के लिए कट ऑफ जो था वो था 92। 92 मतलब आप समझते हो, 92 मतलब अराउंड 46 क्वेश्चंस आपको सही करने थे। अगर 100 में से 46 क्वेश्चन आपके सही थे तो आप क्वालिफाई कर जाते मेंस के लिए। एक चीज यहां पे है वो क्या है गाइस, इस समय आपका फोकस जो होना चाहिए ना वो टॉपिक्स पढ़ने पे होना चाहिए। इस समय आपका जो फोकस होना चाहिए ना वो एमसीक्यूज और ज्यादा सॉल्व करने पे होना चाहिए, अगर आप 21 का एग्जाम दे रहे हो तो। इस समय आपका जो फोकस होना चाहिए, अगर मैंने बताया कि फिश एम्बलम था पांड्यास का तो ये कहीं लिख लो, नहीं तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो, ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एनीवेज, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन जो है तमिल संगम्स का जो है वहाँ पे संगम पोएम्स में इनके बारे में कंपाइल किया गया, किसके बारे में, पांड्यास के बारे में कंपाइल किया गया है। और हम देखते हैं यहाँ पे कि और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फिर से सिमिलर मिलेंगी संगम पोएम्स वगैरह में, बाकी सारी चीज़ें में। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सोशल फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर लीजिएगा, कैसे आप इसे याद करोगे ये तो आपके ऊपर में है, ठीक है। जैसे कुरिंजी, कुरिंजी का मतलब क्या है, कुरिंजी का मतलब है गाइस हिली रीजन, जहां पे आप हंटिंग और गैदरिंग करते हो ना, तो ये रीजन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तमिलगम जो है ना उसको डिवाइड कर दिया 5 रीजन में, 5 डिफरेंट रीजन्स में उसको डिवाइड कर दिया। जैसे मान लीजिए आपका एक जमीन है, आपका एक क्षेत्र है, उसको आपने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट आपने बनाया कुरिंजी, कुरिंजी मतलब क्या हो गया, कुरिंजी मतलब हो गया हिली रीजन, ठीक है, हिली रीजन है हंटिंग और गैदरिंग के लिए। इसको कैसे याद करिएगा, देखिए कुरिंजी मतलब क्या, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कुरिंजी से एक शब्द आता है कुंजी, ठीक है, ये भी एक वियर्ड तरीका मैं बता रहा हूं। कुंजी जो होता है चाबी को कहते हैं, चाबी को हम कहते हैं कुंजी।
चाबी कैसी होती है आप ध्यान दीजिएगा, चाबी कैसी होती है, चाबी ऊपर नीचे करके वहां पे होता है, फिर बीच में फ्लैट होता है, फिर ऊपर चढ़ता है, तो उससे आपको क्या याद आ जाएगा, हिली रीजन आ जाएगा। और हिली रीजन में लोग कैसे रहेंगे, हिली रीजन में लोग कैसे रहना पसंद करेंगे ये बताइए। जब हिली रीजन है, जब वहां पे पहाड़ पर्वत है, तो वहां पे खेती वगैरह तो नहीं कर पाएंगे, तो पहाड़ पर्वत में कैसे रहते हैं लोग, लोग शिकार करते हैं, शिकार करके गैदर करते हैं, या फिर फल वगैरह तो उसको गैदर करते हैं, तो हंटिंग और गैदरिंग से। तो कुरिंजी, कुरिंजी से याद करिएगा, कुंजी, कुंजी मतलब चाबी, चाबी में हम देखते हैं कि कैसा ऊपर नीचे तो फिर फ्लैट रहता है, फिर गोल सा ऊपर आता है, मतलब हिली रीजन है, ठीक है। दूसरा है मुलाई, मुलाई का मतलब क्या है, मुलाई का मतलब फॉरेस्टेड रीजन, जंगल वाला रीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप सब लोगों को पता होगा, एक जगह आपने कल्टीवेशन की, फिर उसको आपने छोड़ दिया, आप दूसरी जगह कल्टीवेशन करने चले गए। इससे क्या फायदा होगा, इससे एक फायदा ये होगा कि यहाँ इस पार्ट में उर्वरकता फिर से वापस आ जाएगी, 2-3 साल 4 साल बाद फिर से आप वहां पे कल्टीवेशन कर सकते, ठीक है। और वहां पे क्या कर सकते थे, अगर आपके पशु वगैरह हैं तो उनको चराने में फायदा आएगा। मुलई को कैसे याद करेंगे कि फॉरेस्टेड रीजन है, मुलई से याद करिए मूली, मूली, मूली आप सब जानते होंगे, आई होप सो। मूली जो हो, रेडिश जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में मूली कहते हैं, मूली अगर आपको ध्यान हो तो मूली की संरचना थोड़ी सी ध्यान में ले आइए। मूली कैसी होती है, मूली जो है वो आपको कुछ इस तरीके से होती है, और ऊपर में मूली के आपने देखा होगा कि इस तरीके से पौधा, या आप बोल सकते हो कि ग्रीनरी होता है, ठीक है। तो ग्रीनरी है ये, ऊपर में क्या है, ये ग्रीनरी है, ये क्या है, पौधा है, पौधा या फिर आप बोल सकते हो पेड़ है। तो मूली से याद रखेगा, मुलाई, मूली, मूली क्या है, फॉरेस्टेड रीजन है। तो फॉरेस्टेड रीजन में आप क्या कर सकते हो, जंगल वाले क्षेत्र में आप कर सकते हो। ये देखो मैं वियर्ड तरीका बता रहा हूँ, ये आपको याद करने में हमेशा फायदा रहेगा। आप इसको भूलने की भी कोशिश करोगे, सर ने बोला था मुलाई, मुलाई से मूली बोला था, मूली का ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वहां पे क्या होता है, हरा हरा पेड़ पौधा जैसा लगता है, तो उससे क्या आ गया, अच्छा उससे फॉरेस्टेड रीजन आ गया, तो ये बहुत फायदा करेगा। मरुथम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। मरुथम का आप मुझे बताओ कि कैसे कुछ वियर्ड तरीका से आप याद कर सकते हो, मरुथम का ये आप बनाने की कोशिश करो, मैं नहीं बता रहा हूँ इसके लिए। मरुथम होता क्या, रिवरेन ट्रैक्ट है, ठीक है। रिवरेन ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया, द बेस्ट, अगर इरिगेशन के लिए आपको चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, मतलब जहां पे नदी गुजर रही है, नदी वाला क्षेत्र जो है उसे मरुथम बोला गया है। उसके बाद में नेथल, नेथल क्या है, यहाँ पे आपको कोस्टल लैंड मिलेगा। नेथल मतलब कौन सा एरिया हो गया, वो वाला एरिया जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, नमक बनाते हो, जहाँ पे आप मछलियाँ पकड़ते हो, कोस्टल वाला लैंड हो गया, ठीक है। और लास्ट में है पलई, पलई मतलब क्या है, पलई मतलब पार्च्ड लैंड, एक ऐसा लैंड जो मान सकते हो आपकी बंजर है, और जहां पे जमीन बंजर होगी वहां के लोग क्या करेंगे, वहां के लोग कृषि तो नहीं कर पाएंगे, खेती तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर वहां के लोग क्या करेंगे गाइस, वहां के लोग चोरी चमारी करेंगे, है ना, वहां के लोग कैटल लिफ्टिंग करेंगे, जानवरों को चुराएंगे। इसको याद करने का एक और वियर्ड तरीका मैं बताता हूं, पलाई से याद रखिएगा, एक शब्द आता है पलायन, हिंदी अगर आप जानते हो तो आपको पता होगा। अभी हम लोगों ने देखा था जब कोविड वाला केस आया था, तो मजदूर पलायन कर रहे थे, मजदूर पलायन कर रहे थे, लेकिन नॉर्मली ये जो मजदूर है ये अपने बिहार से क्यों पलायन करके जाते हैं मुंबई में, ये जो मजदूर है ये अपने बिहार से क्यों पलायन करके जाते हैं किसी और बड़े राज्य में या किसी दूसरे स्टेट में क्यों जाते हैं, वाई क्यों, तमिलनाडु में क्यों जाते हैं, ये बेंगलोर कर्नाटका में क्यों जाते हैं, ये इसलिए जाते हैं क्योंकि इनके यहाँ कुछ भी सुटेबल नहीं होता है, इनके यहाँ कुछ भी सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से याद करिएगा, पलाई, पलाई मतलब पलायन, क्योंकि वहाँ पे लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जमीन बंजर है, और जिन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, जमीन भी बंजर है, तो वो क्या करेंगे, वो चोरी करेंगे, और क्या कर सकते हैं, चोरी करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, याद जरूर हो जाएगा। फिर हम तमिल पॉलिटी को देखते हैं गाइज, वहां पे हम देखते हैं वैलिर के बारे में, 3 लेवल्स हैं यहाँ पे रूलर्स जो हमें दिखते हैं, कीजर, वैलिर, वेंडर, ये सारे हमको दिखाई देते हैं। कीजर जो है ये हेड थे विलेजेस के, स्मॉल टेरिटरीज के, जिनको बाद में बोला गया नाडू, ठीक है। उसके बाद में वैलिर जो है उनके बारे में देख रहे हैं, ये बहुत सारे नंबर्स में थे, ठीक है। और उसके बाद में इनके जो चीफ्स वगैरह हैं उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। मैं एक बार फिर से बोलूंगा, ये हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा एलियन हो, थोड़ा सा पेशेंस रख के 2-3 बार जैसे आप पढ़िएगा ना, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके साथ में एक और चीज जो यहाँ पे याद रखिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
सत्य पुत्र जो हैं इनको अशोका के इंस्क्रिप्शन में भी इनके बारे में बताया गया है, ये वीक हो जाते हैं और फिर ये किंग का स्टेटस नहीं ले पाते जैसे चोला पांड्या और चेरा के लिए। एक चीज बोला गया है कि एक बीच में एक पीरियड आता है ये चोला चेरा और पांड्या के बाद में, और बीच में एक पीरियड आता है जहां पे डार्क फेज होता है, एक डार्क पीरियड होता है जहाँ पे पता ही नहीं है कि उसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं, कोई ऐतिहासिक साक्ष्य हमें नहीं मिलते जिससे हमें पता चले इसके बारे में। तो उसको ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिएगा कि उस पीरियड के बारे में हो सकता है कि आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाए, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि विमेन पोएट, ये कुछ चीज़ और देखेगा। हमने वेदों के बारे में, ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था अगर आप लोगों को याद हो, तो विमेन जो थे उन्होंने क्या किया था, वेदों की रचनाएं की थी, बहुत सारी वेदों की श्रृंखलाओं की रचनाएं की थी। यहां पे भी हम देखेंगे संगम एज में भी विमेन पोएट बहुत सारी हैं और इन्होंने भी बहुत सारे पोएम्स जो हैं उनकी रचनाएं की हैं, ये भी याद रखेगा। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए तो उस समय ध्यान रखेगा इसके बारे में। फिर हम देखते हैं कि क्राफ्ट प्रोडक्शन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें जो है ना, चाहे वो प्रीशियस कमोडिटीज़ वगैरह थी, रॉ मटेरियल्स वगैरह थे, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें जानकारी मिलता है। अब कुछ पिक्स में हम आपके लिए लेकर आएंगे जिनको देख के आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुछ पिक्स के माध्यम से कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आप देख के समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखो आप, ये आपको हॉर्न्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। हॉर्न्स वगैरह से क्या पता चलता है कि वहाँ पे एग्रीगेरियन सोसाइटी था, कैटल रियरिंग जो है ये होती थी वहाँ पे उस समय, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। ये कैसे पता चलता है, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है डेकन कॉलेज की पुणे में, उसने बहुत सारा एनिमल का सैंपल्स वगैरह लिया, वहाँ पर इन्होंने बताया। कहाँ से लिया था इन्होंने, किलाड़ी से लिया था। कहाँ से लिया था गाइस, किलाड़ी से लिया था। और उसके बाद में उन्होंने बताया कि वहाँ पर काऊ ऑक्स जो हैं वो मिले हैं, बफेलो मिले हैं, सिप मिले हैं, गोट मिले, नील गाय मिली हैं, ब्लैक बक, वाइल्ड बोर जो है, जो आप जंगली सुअर जिसे आप कहते हैं, ठीक है, और साथ साथ में पीकॉक वगैरह भी मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता चलती है, एग्रीगेरियन सोसाइटी था। फिर वहाँ पे ब्रिक वॉल्स भी मिलते हैं। जब आपको ब्रिक वॉल्स मिलते हैं इतने पुराने, तो वो आपको क्या बताते हैं, फिर से हम केलाडी की बातें कर रहे हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि इनका रेशियो जो है, अगर आप रेशियो देखो तो वो सही मिल रहा है। इसका मतलब है कि इनका कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो है ना, उसको भी इन्होंने मास्टर करके रखा हुआ था संगम एज में। फिर हमें स्पिंडल वॉल्स भी मिलते हैं। स्पिंडल वॉल्स क्या बताते हैं कि कपड़े वगैरह जो हैं, निडल वगैरह जो हैं, उनका इस्तेमाल होता था, कहीं ना कहीं कपड़े वगैरह सिए जाते थे, डिज़ाइन किए जाते थे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, वीविंग इंडस्ट्री का। नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे कॉमर्स के बारे में, तो कॉमर्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉमर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बीड्स मिल रहे हैं, कुछ बहुत सारे अलग अलग तरीके से प्रीशियस स्टोन्स वगैरह मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं आपको, ये कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि उस समय जो तमिलनाडु की हिस्ट्री के बारे में हम देख रहे हैं, इनका फ्लरिश जो है वो बहुत बेहतर रहा होगा। ये कहीं ना कहीं अपने चेरिश पे रहे होंगे, ऐसी नहीं ये चीज़ें कि वहाँ पे नहीं हो रही होंगी, क्योंकि हमने इंदस वैली सिविलाइजेशन अगर आप याद करिए तो हमने उसके बारे में भी जो आर्कियोलॉजिकल हमें एविडेंसेस मिलते हैं उससे ही हमने उस साक्ष्य को लेकर बताया कि हाँ एक समय ऐसा रहा होगा कि मोहनजोदारो जो है या हरप्पा जो है ये बहुत बेस्ट रहा होगा, है ना, अपने जेनिथ पे रहा होगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे भी देखते हैं। ये कुछ ऑर्नामेंट्स और बीड्स और आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। एक कुछ गोल्ड के भी ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, ठीक है, 7 पीसेस मिले थे, कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं से आपको साक्ष्य के रूप में दिखती हैं, और जो कि संगम एज के बारे में, तमिल हिस्ट्री के बारे में ये हमें बताती है। टेराकोटा फिगरिंग्स भी मिल रही है, टेराकोटा के फिगर्स जो हैं वो भी अपने आप में एक साक्ष्य माने जाते हैं। यहाँ पे ह्यूमन की फिगर्स मिल रहे हैं, टॉयज मिल रहे हैं, ईयर ऑर्नामेंट्स वगैरह मिल रहे हैं, आयरन नेल्स मिल रहे हैं, पार्ट ऑफ नाइफ्स वगैरह मिल रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में गेम्स मैन भी मिला, ये हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, ठीक है। गेम्स मैन मतलब आप देख रहे हो यहाँ पे है ये गेम्स मैन, हो सकता है गेम्स वगैरह भी पॉपुलर थे, लोग जो है अपना पार्ट टाइम में, अब उस समय तो मोबाइल था नहीं कि पबजी खेलेंगे हर कोई, और टिकटॉक भी बनाने को नहीं था, यूट्यूब शॉर्ट्स भी नहीं चलता था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव, ठीक है। स्टोन जो है ऑर्नामेंट्स के पट्टनम में मिले, ये भी याद रखिएगा, ये रोमन अम्फोरा है और इसके साथ में ये रोमन ग्लास बाउल्स, तो रोमन रोम के साथ में भी इनका ट्रेड कॉमर्स जरूर चलता होगा, ठीक है। और उसके साथ में आइडियोलॉजी और रिलीजन की अगर हम बातें करें, तो दो चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है,
पहला चीज ये है कि इसी टाइम पीरियड में अशोका ने क्या किया था, अपनी बेटी को भेजा था श्रीलंका बोधि ट्री का एक सैपलिंग लेकर, ठीक है। तो वो जब श्रीलंका गई थी तो इसी वे से गई थी, तो उसका भी एक असर पड़ता है। दूसरा एक लेजेंड ये भी बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कर्नाटका के रीजन में आए थे अशोका से पहले ही, ठीक है, तो वो भी कुछ चीज़ों को बताता है। इसके बाद में सातवाहन से पहले संगम किंग्स और इक्ष्वाकु वंश, ये भी याद रहेगा, इक्ष्वाकु वंश के लिए ये भी बोला जाता है कि राम, भगवान राम जो हम बोलते हैं श्री रामचंद्र जो हैं वो इक्ष्वाकु वंश से ही आते थे, तो उनके बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। एविडेंस जो है मूवमेंट की ब्राह्मीन्स की और बाकी परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक रिचुअल्स, ये भी संगम टेक्स्ट में हमें बताया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, वर्णाश्रम की आइडियोलॉजी अभी तक नहीं है तमिल रीजन में। वर्णाश्रम मतलब आप समझ रहे हो ना, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ये जो आश्रम वाली जो बातें होती थी कि ब्रह्मचर्य वाला आश्रम रहेगा, उसके बाद में आप सेकेंड जो है गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास, ये सारी चीज़ों के बारे में बातचीत नहीं हो रही है। तो ये याद रखिएगा, कौन से दो धर्म ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है यहाँ पे, तो ब्राह्मण वगैरह भी हैं तो वैदिक रीति वगैरह भी चल रही हैं, जैन के बारे में भी देखा जाएगा तो जैन धर्म को भी याद रखिएगा, बौद्ध के बारे में देखो तो बौद्ध धर्म को भी याद रखिएगा। यहाँ पे आइडियोलॉजी और रिलीजन जैसा हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं तो इसको अभी फिर से रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो हैं वो जैनिज्म का ज़्यादा इन्फ्लुएंस बताते हैं तमिल कंट्री में, और इसका मैंने आपको रीज़न भी बताया कि बुद्धिज़्म उस समय थोड़ा सा नया नया आया था, जैनिज्म तो बहुत पहले से वहाँ पे था, ठीक है, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न होगा। अमरावती का जो स्तूप है उसके उससे भी हमें बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, ये अमरावती स्तूप की फ़ोटो है यहाँ पे। बुद्धा की स्टैचू जो है नागार्जुन कोंडा में, उससे भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है। अब आ गए हम लोग लास्ट दो क्वेश्चन पे, ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन को समझते हैं और फिर अलविदा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर वन, सेवरल रॉक कट केव्स डेडिकेटेड टू बुद्धा संघा, ठीक है, ये एविडेंस हैं कि दे वे सिचुएटेड इन द ट्रेड रूट्स लिंकिंग टू इंटीरियर द कोस्टल पार्ट्स ऑफ कोंकण रीजन, ठीक है, इट वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ ब्रिस्क इंडो रोमन ट्रेड। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि बहुत सारे बौद्ध संघ की जो विहार्स वगैरह थे या जो गुफाएं होती थी उनमें हमें बहुत सारे ट्रेड रूट लिंकिंग मिलती है इनके इंटीरियर पार्ट में, ठीक है। तो नंबर वन क्या है, नंबर वन तो एकदम सही है। नंबर टू, द एविडेंस फॉर द मूवमेंट ऑफ ब्राह्मिन्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक रिचुअल प्रैक्टिस इज फाउंड इन संगम टेक्स्ट। अभी हमने लास्ट वाले स्लाइड में ही पढ़ा इसके बारे में कि ब्राह्मिन्स जो है वो मूव करके आए थे नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ से, और वैदिक रिचुअल प्रैक्टिस भी हमें मिलती है संगम टेक्स्ट में। तो दो नंबर भी सही है, तो एक भी सही है, दो भी सही है, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर शुड बी ए बोथ। आइए देख लेते हैं सही जवाब क्या है। सही जवाब है गाइस, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओवर हियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, तोलका पीएम इज द अर्लिएस्ट एक्सटेंट तमिल ग्रामेटिकल टेक्स्ट, एकदम सही। उसके साथ में डीलिंग नॉट ओनली विद द पोएट्री, हाँ पोएट्री को डील करते थे, बट ऑल्सो द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ द टाइम्स, एकदम सही। तोलका पीएम वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, याद रखिएगा, महाग्रंथ है। दूसरा इसके बारे में बोल रहे पथिनेन किलकनक्कू, ओके पथिनेन किलकनक्कू 18 माइनर वर्क्स जो हैं उससे रिलेटेड, और फाइव एपिक्स बिलोंग टू पोस्ट संगम टाइम्स एंड डिस्क्राइब अ डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल सेटअप, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ही सही है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ वन एंड टू इज अगेन करेक्ट, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना था कि दोनों स्टेटमेंट्स में से, एक मिनट, इनकरेक्ट कोड आपको बताना था, ठीक है। तो तोलका पीएम इज द अर्लिएस्ट एक्सटेंट तमिल ग्रामेटिकल टेक्स्ट, ठीक है, तो ये सही था, ये भी सही था, तो आपको बताना था एक्चुअल में, ये क्वेश्चन जो था ये आपको बोल रहा था कि इनकरेक्ट कोड बताना है, इनकरेक्ट कोड क्या हो जाएगा, बी नन, ठीक है, इनकरेक्ट कोड क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, तो वो याद रखिएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। वेल डन भावना जी, दैट्स वेरी नाइस। तो गाइज एक बार फिर से आप सब लोगों को इन्फॉर्म करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपना मेंटरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आपको वन टू वन इंटरेक्ट करते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम में या फिर हमारे ऐप में। एक चीज़ याद रखेगा, जब क्लास 9-10 की आप एग्ज़ाम्स देते हो, जब आप JEE की एग्ज़ाम देते हो, जब आप मेंस की एग्ज़ाम देते हो सकता है कि आपको पर्सनल मेंटरशिप की ज़रूरत ना हो, लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो, चाहे फिर वो UPSC की सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो, IAS की एग्ज़ाम हो,
मटेरियल तो हर जगह आपको मिल जाएगा, मटेरियल जो है, किताबें जो हैं, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह हर जगह आपको मिल जाएंगी, लेकिन एक मेंटरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, उन दिनों में क्या करें जब आप मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हो, जब आपको बहुत डीमोटिवेशन फील हो रहा है, जब आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूंगा, इतने सारे लोग तो नहीं कर पाते, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 100 लोगों का, 200-500 लोगों का सिर्फ IAS में होता है, 400-500-700 लोग सिलेक्ट होते हैं, मेरा कैसे होगा, इतना सिलेबस इतना बड़ा है, मेंस की राइटिंग कैसे करूंगा, ऐसे कैसे करूंगा। देखिए ये प्रॉब्लम है और इसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम हमेशा क्या करते हैं, एक्सपर्ट्स की सहायता लेते हैं, अगर कोई इंजीनियरिंग प्रॉब्लम तो इंजीनियर से बात करते, मेडिकल की प्रॉब्लम तो मेडिकल एक्सपर्ट से बात करते, तो उसी तरीके से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है ताकि आपको 1-to-1 जो है वो हम हेल्प कर पाएं। अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और, जाते से पहले मैं आपको बता दूंगा, हमारी जितने भी कोर्सेस अवेलेबल हैं, अगर आप एक बार उपनिषद ऐप को डाउनलोड करोगे, चेकआउट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमने बहुत ही मीगर प्राइस में रखा, और वो भी इसलिए रखा है क्योंकि हमें ऐप के लिए, जो ऐप हम प्ले स्टोर में रखते हैं उसके लिए भी पेमेंट करना पड़ता है गूगल को, हम वेबसाइट वगैरह जब क्रिएट करते हैं तो उसके लिए सर्वर की कॉस्ट वगैरह लगती है, तो उसके लिए भी पेमेंट करना पड़ता है, और हमारे जो कुछ एडिटर्स वगैरह हैं उनको भी हम फ्री में नहीं रख सकते, तो उनको भी पेमेंट करना पड़ता है, तो दैट इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट। अदरवाइज जो फेमस एडटेक कंपनीज की प्राइसिंग है और जो हमारी प्राइसिंग है उसमें लगभग 90% के डिफरेंसेस है, इसलिए नहीं क्योंकि क्वालिटी हमारी जो है उनसे कम है, इसलिए क्योंकि हम आपसे रिलेट करते हैं, हमें पता है कि पढ़ाई जो है वो बिजनेस की तरह नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई जो है वो एक ऐसे प्रेम की तरह होनी चाहिए, ऐसे आशीर्वाद की तरह होनी चाहिए कि जब मैं आपको दूं तो आप बहुत ही वाजिब तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से उसे ग्रहण कर पाए, ठीक है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए क्या और बेहतर कर सकते हैं हम, और मिलते हैं अगली क्लास में। ये फिर से बोल रहा हूँ मैं, याद रखिए, बेहतर नहीं, बेहतरीन बनना है।